नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट लतीफ़ में। आज हम बात करने आ रहे हैं मूवी तड़का के बारे में। तो ये कहानी एक ऐसे नवयुवक की है जो शायद ही अपनी एज का एक ऐसा नवयुवक हो जो खुद को बस एक शादी न होने की वजह से नवयुवक की श्रेणी में तोलता है, लेकिन अपनी जो उम्र का तकाजा है वो ऐसे भी है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अपने फिल्म के मुख्य पात्र जिसका रोल निभाया है नाना पाटेकर जी ने और जिसका फिल्म में नाम है तुकाराम। ठीक है, अब तुकाराम जो फिल्म की पूरी जो कहानी है ना, वो तुकाराम की जिंदगी के आसपास ही बनी हुई है। जितना भी फिल्म कुछ भी ताना वाना मान लो, सारा का सारा वो तुकाराम की जिंदगी के आसपास ही है। बट फिर भी फिल्म में हमारा जो इंटरेस्ट है वो इसके विपक्ष में लाई गई महिला इसका रोल निभाया है श्रिया शरण ने, जो फिल्म में कही गई हैं आरजे मथुरा के नाम से। ठीक है, और शायद मेरे को लगता है जहाँ तक हम देख चुके हैं और इनका जो पुराना पास्ट रिकॉर्ड है श्रिया शरण जी का, वो एक आधी बॉलीवुड फिल्म उन्होंने करी है और हम इनको मेन जानते हैं दृश्यम फिल्म के बाद से ही। और शायद हो सकता है कि बहुत लोग तो इनको जानते ही ना हो, है ना, और इनका नाम तो खैर अभी पता ना हो। खैर हमें क्या करना, उससे हम आगे चलते हैं। हम जो है अब आपको ले चलते हैं फिल्म की मेन कहानी पर, जहाँ 50 साल से ऊपर के कुंवारे की शादी को लेकर उसके चाहने वाले और उसके रिश्तेदार दोस्त ये सब उसके चाहने वाले जो भी है उसको लगे हुए उसके पीछे। और चाहने वालों में जो अपना अली, अपना मिर्जापुर वाला भांजे के रूप में तुकाराम के, और एक उसका दोस्त तुकाराम का, और एक बाबाजी जिसको शायद ही तुकाराम की जिंदगी से कोई लेना देना हो। उधर दूसरी तरफ अपनी फिल्म की नायिका जो उसकी भी लगभग सेम सी कहानी है जो तुकाराम की कहानी है वही, उसकी भी शादी को लेकर उसके चाहने वाले लगे हुए हैं, जिसमें उसकी एक दोस्त दिखाई गई है तापसी पन्नू ने इसका रोल निभाया है, और एक और है उसकी शायद मकान मालिक के, पता नहीं कौन है, मकान मालिक है। फिल्म का नाम जो है तड़का इसलिए रखा गया है क्योंकि पूरी की पूरी फिल्म जो है खाने के इर्द गिर्द घूमती है। अब खाने के इर्द गिर्द कैसे घूमती है, क्योंकि जो हमारा मूवी का मुख्य पात्र तुकाराम है वो खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। अब कैसे ये खाना खजाना हमारे फिल्म के पुरुष प्रधान चरित्र को महिला प्रधान चरित्र से मिलाता है और कैसे उनका जो प्यार का पैमाना है वो आगे बढ़ता है, और कैसे वो एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला उनका आगे बढ़ता है कह सकते हो आप, और कैसे ये प्यार की एक नई परिभाषा गढ़ता है, ये जानने के लिए आपको जो है फिल्म तड़का देखनी होगी। और हमारे एक क्विक रिव्यू आपको अबाउट फिल्म तड़का कैसा लगा बताना। तब तक के लिए नमस्कार, और ऐसे ही दिलचस्प और क्विक रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस और क्या, बाय।